नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार वेटनरी के स्टूडेंट्स। तो गाइस, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप थंबनेल तो देख चुके हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो किस चीज़ के बारे में है। आज हम बात करेंगे गाइस कि हम कैसे शीप और गोट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर हम इनको सही से अप्रोच नहीं करते तो ये हम पर हमला कर सकते हैं, जिससे हमें इंजरी आ सकती है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, अगर आप कोई वेटनरी के स्टूडेंट हैं, कोई फार्मासिस्ट हैं या कोई फार्मर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो गाइस यार, सबसे पहले बात करते हैं कि जो शीप होती है, जो कि फीमेल शीप होती है और गोट होती है, वो बहुत ही डोसाइल होती है, यानी विनम्र स्वभाव की होती है। लेकिन दोस्तों, इनके जो मेल होते हैं, जो गोट के मेल होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, यानी कि आक्रामक होते हैं। दोस्तों, आप जब भी इनको अप्रोच करें तो आप इनको फेस टू फेस अप्रोच करें, कभी भी अपना बैक पोर्शन इनको न दिखाएं। जब आप इनके सामने अगर चले जाते हैं तो आप फेस टू फेस जो इनको अप्रोच करें, अगर आप थोड़ा सा भी टर्न आउट करते हैं तो ये आप पर अग्रेसिव होकर, आक्रामक होकर आप पर हमला कर सकते हैं। दोस्तों, आप पर ये कब हमला कर दें ये इनको खुद पता नहीं होता, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही आक्रामक स्वभाव के होते हैं। इसीलिए आप जब इनको अप्रोच करें तो फेस टू फेस अप्रोच करें, इस बात का आपको सबसे ध्यान रखना है। दोस्तों, इसकी जो फीमेल होती है वो तो विनम्र होती हैं, लेकिन जो मेल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। दोस्तों, दूसरी बात ये है कि इनका ओनर जो है साथ होना चाहिए। जिस भी आप एनिमल को अप्रोच करते हैं तो उस एनिमल का जो ओनर है वो साथ में होना चाहिए, क्योंकि ओनर के साथ एनिमल जो है सिक्योर महसूस करता है। और दोस्तों, आप एनिमल के साथ जो है प्यार से रहिए, उनको प्यार दुलार दीजिए, ताकि एनिमल जो है आपके साथ बिल्कुल सही से रहे, ठीक है फ्रेंड्स। जो इनके हॉर्न होते हैं, अगर ये आपको कहीं पर लग जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है, इंजरी भी हो सकती है। दोस्तों, मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहूँगा, ये एक नॉर्मल सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।